तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे लाइक और शेयर ठोकी महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। सो हाय गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक चेक एडिटिंग। तो आगे नई वीडियो के साथ आज हम फुल स्क्रीन वाटरमार्क एडिट करेंगे पिक्सेल ऐप से। तो बने रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। आपको जो इस मटेरियल पासवर्ड होगा तो वीडियो में बता दिया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको पिक्सेल ऐप ओपन करना है। तो यहाँ से मैं पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, इमेज साइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइज सेलेक्ट करनी है 1080 और यहाँ पर आपको कर देना 2340। फिर ओके पर क्लिक कर देंगे, न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेते हैं। इतना करने के बाद थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करेंगे। कलर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कलर पे आपको व्हाइट कलर चूज कर लेना है। तो यहाँ पर ये चूज हो गया है। इसके बाद में हम इसके ऊपर जो पीएनजी से ऐड करेंगे तो उस पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके उस पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। तो यही वो पीएनजी, इसको हमें यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करने के बाद में रोटेट करेंगे ऐसे और फिर आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर इतना। इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके ये वाले नहीं बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और कलर्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर कलर वाले राइट पर क्लिक कर देंगे और इसमें जो भी चाहो आप कलर्स ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वाले कलर को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर से राइट पर क्लिक कर देंगे, स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। स्ट्रोक के कलर्स को कर देंगे हम ब्लैक और यहाँ पर इसके बढ़ा देंगे और फिर आप शेडो को भी इनेबल कर सकते हो, आपको किस साइड शेडो चाहिए कितना चाहिए। उसके बाद में फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसके ऊपर हम एक लाइन ऐड करेंगे। तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस शेप के कलर्स को कर देते हैं ब्लैक। उसके बाद में यहाँ पर इसको हमें रोटेट कर लेना। उसके बाद में फिर से हम इतना रोटेट करेंगे यहाँ पर इतना और इस पर ऐड कर लेंगे इधर। तो यहाँ पर इसकी साइज को मैं घटा लेता हूँ, फिर से पोजीशन पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ तक ये लाइन अच्छे से एडजस्ट हो गई। आप टाइम देकर बनाए ताकि अच्छे सब लोगो बन जाए। उसके बाद में इसको भी लेयर पर क्लिक करके लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पेंसिल पर क्लिक करना और यहाँ पर अपने चैनल का नाम उसको हम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ अपने चैनल का नाम। उसके बाद में यहाँ पर ई पर हम स्पेस देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर से हम इसकी साइड यहाँ पर ए वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका जो मैंने यही फॉन्ट ऐड किया तो इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा ये पोस्टर वाला लाइन में। तो ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड करने के बाद में इसकी साइज को इंक्रीज करके अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेना है इसको। पहले हम इसको यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं। तो इतना ही इसको रोटेट करेंगे। उसके बाद में राइट पर क्लिक कर देंगे, फिर कलर पर क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर को चूज करके फिर से हमें स्ट्रोक को इनेबल कर देना है, स्ट्रोक को 2 रख लेना। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद में फिर से हम यहाँ पर कलर्स पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर रेड कलर को चूज करेंगे। फिर से हम दोबारा क्लिक करेंगे कलर पे, फिर से हम ई पर यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं। ई पर हम रेड कलर को चूज कर देंगे, फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, इसको भी लॉक कर देंगे। तो थोड़ी सी साइज को हम और इंक्रीज करेंगे इसकी। तो यहां तक इसकी इतनी साइज कर लेते हैं। और फिर लॉक कर देना है, यहां तक लॉक हो।
गया। लॉक करने के बाद में फिर से हमें यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके हम टाइप कर लेंगे स्टेटस वीडियो एडिटिंग। तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं स्टेटस वीडियो एडिटिंग, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है कोई भी, तो फिलहाल वही सेम फॉन्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद में फिर हम इस पे कलर पे क्लिक करेंगे, कलर में आपको ग्रीन कलर को चूज कर लेना है। जो ग्रीन कलर को चूज करने के बाद स्ट्रोक को इनेबल करेंगे और फिर हम एम्बोज को इनेबल कर देना है। एम्बोज को आप जिस साइड चाहो उस साइड लाइट को ऐड कर सकते हो और फिर हम यहाँ पर ऐड नीचे की तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर नीचे जो लाइन हम ऐड करेंगे तो उस लाइन को ऐड करने के लिए प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, शेप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर शेप्स के कलर्स को ऐड कर लेते हैं। पहले इस कलर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, आप जो चाहो वो कलर्स ऐड कर सकते हो। फिर हम शेप्स की लाइन को बढ़ाएंगे यहाँ तक, इसके बाद में इतनी साइज इनकी कर लेते हैं और फिर हम इसको भी पोजिशन पर क्लिक करके फिर से हमें यहाँ पर रिलेटिव साइज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इसकी साइज बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर से हमें स्ट्रोक पे क्लिक करना है, स्ट्रोक को एनेबल कर दिया। उसके बाद में फिर से जो ऑल मटेरियल पासवर्ड है 3434, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में हम फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद जो इसकी जो पीएनजी है उसको ऐड कर लेना। तो यही वो पीएनजी, इसको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इधर इतना रोटेट करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर लेना आपको। फिर से अब इसके अंदर जो पीएनजी से हमने ऐड की थी तो उन पीएनजी को सोशल मीडिया की पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। तो यही पीएनजी है सभी ब्लैक पीएनजी, तो इसको हमें पहले तो यहाँ पर आप रोटेट कर लेना। रोटेट करने के बाद में फिर से हम आगे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर इरेज कलर पे क्लिक करेंगे और कलर वाला चूज कलर पे क्लिक करके यहाँ पर ब्लैक कलर को चूज कर लेना। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर हट जाएगा, उसमें से आप फिर साइज के हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको भी लॉक कर देंगे, पहले हम लॉक हो गया। फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करके यहाँ पर जो भी अपना एक पीएनजी से तो ये वो पीएनजी इसको ऐड कर लेना। तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हो जिस साइड आपको अच्छा लगे। तो आप इसको शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना, अल्ट्रा पे क्लिक करके गैलरी में सेव कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।